Hello everyone, myself Gauri Shankar, Assistant Professor, Department of Teacher Education. आज का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जिसे हम शॉर्ट में ETV कह सकते हैं। तो आज हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, टेक्निक्स तथा लॉजिया। टेक्निक का अर्थ है कला या कौशल, लॉजिया का अर्थ है विज्ञान या अध्ययन। टेक्नोलॉजी का सामान्य अर्थ किसी कला या कौशल के अध्ययन के विज्ञान से माना जाता है। अकॉर्डिंग टू PhD यानी PhD के अनुसार, टेक्नोलॉजी एक व्यवहारिक उद्देश्य के लिए साइंटिफिक नॉलेज का अनुप्रयोग है। अकॉर्डिंग टू हेरा ए, टेक्नोलॉजी उन उपकरणों और कौशलों का ग्रुप है जिनका यूज कम्युनिटी की नीड्स को पूरा करने के लिए किया जाता है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्ट में हम ETV कह सकते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी स्टडी का एक क्षेत्र है जो टीचिंग और लर्निंग के सुधार के लिए निर्देशात्मक वातावरण, टीचिंग मटेरियल्स, स्टूडेंट और लर्निंग की प्रक्रिया के एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, रेगुलेशन और एवेल्युएशन की प्रोसेस की जांच करता है। इसे हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत रख सकते हैं। डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अकॉर्डिंग टू SS कुलकर्णी, SS कुलकर्णी ने 1968 में जो ET की डेफिनेशन दी थी वो इस प्रकार है, टेक्नोलॉजी तथा साइंस की डिस्कवरीज तथा प्रिंसिपल्स का शिक्षा की प्रक्रिया में यूज करने को ET कहा जाता है, यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट ए कॉक्स, ह्यूमन की सीखने की जो भी कंडीशंस होती हैं उसमें साइंटिफिक प्रोसेस के प्रयोग को एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। स्कोप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ET शिक्षा बहुत ब्रॉड है। ET का तात्पर्य सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, मानव, मटेरियल्स, मेथड्स, टेक्निक्स, साधन, संसाधन और मीडिया के उपयोग को सीखने के लिए एकीकृत और व्यवस्थित तरीके से करना है। इसमें कई टेक्निक्स को शामिल किया गया है। पहला है बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, जिसे हम शॉर्ट में BTV कह सकते हैं। ET का यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। BT यानी कि व्यवहार तकनीकी या सीखने और सिखाने की साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की यूज पर जोर देता है, ताकि स्टूडेंट्स और टीचर्स के व्यवहार को मॉडिफाइड किया जा सके जो उसके उद्देश्य की पूर्ति कर सके। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, यानी कि निर्देशात्मक प्रौद्योगिकी, जिसे हम शॉर्ट में IT भी कह सकते हैं।
आईटी का अर्थ है लर्निंग के एम्स के कुछ निश्चित सेट को पूरा करने के लिए नियोजित टेक्निक्स या उपकरणों का एक नेटवर्क जिसमें हम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। टीचिंग्स के स्पेसिफिक एम्स को प्राप्त करने के लिए इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी को साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और नॉलेज के प्रयोग के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट है टीचिंग टेक्नोलॉजी। टीचिंग सोशल एवं प्रैक्टिकल गतिविधि है जो टीचिंग प्रोसेस को सिस्टमैटिक रूप से लर्निंग को प्रेरित करती है। टीचिंग टेक्नोलॉजी टीचिंग के लिए दार्शनिक, सामाजिक तथा साइंटिफिक नॉलेज का प्रयोग है। कहने का मतलब ये है कि जो टीचिंग होती है उसमें दार्शनिक पहलू भी होता है, सामाजिक पहलू भी होता है, साइंटिफिक पहलू भी होता है। इन सब का प्रयोग हम टीचिंग में करते हैं। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल डिजाइन अनुदेशात्मक जो डिजाइन्स होती हैं या आईडी होता है, इसमें हम जो भी स्टूडेंट्स के बिहेवियर होते हैं, जो भी टीचिंग हम करते हैं, जिन सिचुएशन में हम टीचिंग करते हैं, उस सिचुएशन में जो भी हम टूल यूज करते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, चाहे वो लर्निंग के प्रिंसिपल्स होते हैं या लर्निंग के जो भी या टीचिंग के जो भी मेथड्स होते हैं, उन सभी का हम यूज करते हैं और एक डिजाइन फॉर्म करते हैं जिसे हम आईडी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रेनिंग साइकोलॉजी जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स है या मेथड्स भी कह सकते हैं लर्निंग के लिए। इसके डेवलपमेंट से या इसके यूज से जो भी स्टूडेंट है, जो भी रिसर्च का वर्क है या जो भी स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स है, उसको हम सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। और ट्रेनिंग साइकोलॉजी के द्वारा जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं टीचिंग में, उनको सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। साइबरनेट साइकोलॉजी यह ट्रेनिंग साइकोलॉजी का एक पार्ट है जो मनुष्य को मशीन की फॉर्म में एक्सेप्ट करता है या स्टूडेंट के बिहेवियर को कंट्रोल करके डिजायरेबल चेंज लाता है, यानी कि स्टूडेंट के जो बिहेवियर में चेंज लाएगा, जो डिजायरेबल चेंज होते हैं उनकी में लाने के लिए मदद करता है। नेक्स्ट है सिस्टम एनालिसिस में प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, यानी कि जो भी टीचिंग्स पे प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व किया जाता है या उन प्रॉब्लम को सबसे पहले डायग्नोसिस किया जाता है। डायग्नोसिस के बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उपयुक्त मेथड्स का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद प्रॉब्लम जब सॉल्व हो जाती है तो उससे बेस्ट एवोल्यूशन हम कर सकते हैं या बेस्ट रिजल्ट हम प्राप्त कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन फील्ड। शिक्षा के क्षेत्र में क्या ईटी के बेनिफिट्स हैं? पहला है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बट पहला है इसमें जो टेक्नोलॉजी स्टूडेंट को प्रोग्रेस में हेल्प करती है। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट में स्टूडेंटों के लिए बेस्ट होती है, स्टूडेंट एंजॉय कर सकते हैं और स्टूडेंट लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है छात्रों के लिए। ये लर्निंग एक्सपीरियंस
प्रदान करती है। यह छात्रों को नई स्किल्स तथा नई नॉलेज प्राप्त करने में भी हेल्प करती है। स्टूडेंट को न्यू टेक्निकल प्रोग्रेस से अवगत कराती है, टीचिंग एंड लर्निंग को बहुत आसान बनाती है, इंटरनेट यूज करने में भी हेल्प करती है। अब बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम इन्हें यूज भी कर सकते हैं। थैंक यू।